हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सोनू रस्तोगी। सभी बच्चों को मेरी तरफ से होली की शुभकामनाएं। ठीक है, आज हम एक अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं बेटा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। देखिए, इसमें होता क्या है कि इसमें किसी कांच की समतल प्लेट होती है, कांच की कोई समतल प्लेट जिसको हमने एक्स और वाई बोल दिया है। कांच की प्लेट ले लो, चाहे कोई चिकना पृष्ठ ले लिया, कुछ भी ले लिया, ठीक है। जब सूर्य का प्रकाश किसी कांच के प्लेट पर आपतित होता है, और तो इसी बिंदु से वापस क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। तो जो प्रकाश आता है उसे आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण। और जो प्रकाश इसे टकराने के बाद वापस जाता है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण। ठीक, बीच में क्या होता है, इसका अभिलंब पड़ता है। ये अभिलंब क्या करता है, इन दोनों किरणों को बराबर दो भागों में विभाजित करता है, इसको अभिलंब कहते हैं, अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आई अर्थात आपतन कोण कहते हैं। इस वाले कोण क्या कहते हैं, आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आर से प्रेजेंट करते हैं, जो जिसे कहते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। देखिए बेटा, एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान समझने की कोशिश करें कि जो सूर्य का प्रकाश आता है उसे आपतित किरण, जो जाता है परावर्तित किरण, बीच में अभिलंब होता है, उनके बीच में जो कोण बनता है आई और आर कहते हैं। इसके कुछ नियम हैं, अब नियम देखो ध्यान से देखेंगे आप। पहला नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही एक पॉइंट पे होते हैं, तीनों ही क्या होते हैं, एक पॉइंट पे होते हैं। दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर, ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यह है आपके प्रकाश के परावर्तन का नियम। इसी में एक नियम और भी है जिसको हम स्नेल का नियम कहते हैं, इसी में एक नियम और है जिसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब स्नेल का नियम क्या है उसको ध्यान समझेंगे। स्नेल का नियम ये बोलता है कि आपतन कोण की जिया और परावर्तन कोण की जिया, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो नियतांक होता है, अर्थात वो कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, ये होता है आपका स्नेल का नियम। इस स्नेल के नियम के बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो और बनाएंगे, इसमें हम फुल ड्रिल में इसकी क्या करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक बार पुनः व्यक्त सभी बच्चों के लिए होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़्यादा लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।